हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेयर चैनल में। दोस्तों, 21 अक्टूबर का दिन है और लगभग 5 बज चुके हैं। बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के बारे में। आपको पता है, हिंदुस्तान जिंक की सुबह एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा था कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो 21 रुपये, 21.5 रुपये का, यानी 21 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड जो है वो देने वाला है अपने सारे शेयर होल्डर्स को। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसका वेदांता से क्या लेना देना है उसके बारे में भी बात करेंगे, और हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखेंगे, साथ ही साथ बाकी काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आई एम सो सॉरी कि क्यों कई कल जो था पूरा दिन हो गया लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला, एक भी वीडियो हुआ नहीं कल, थोड़ा बिजी था किसी और काम में। आपको शायद पता होगा मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है तो उसी में थोड़ा बिजी था। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो आज फ्री हूँ तो सोचा मैंने आज के जो सिचुएशन था उस पर कुछ वीडियोस बना दूँ आपके लिए। तो बात कर रहे थे हिंदुस्तान जिंक के बारे में, तो फिलहाल मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ कि पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। हम लोग दोस्तों बेयर न्यूज डॉट इन पर है। आर्टिकल के लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको भी बाकी का डेटा है जो आप आराम से पढ़ सकते हो। देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 12 साल बाद इतना बड़ा डिविडेंड जो है वो दिया हुआ है, 21 रुपए 30 पैसे का। हालांकि उसकी जो पैरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड, उसकी डीलिस्टिंग से लेकर के काफी सारी बातें चल रही थी और वो डीलिस्टिंग फेल भी हो गई, उसके बाद भी कंपनी ने इतना बढ़िया डिविडेंड दे करके जो एक प्रेशर बना हुआ था अपने शेयर होल्डर्स पे उसको थोड़ा कहीं ना कहीं पे रिलीज कर दिया है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है, हालांकि हिंदुस्तान जिंक लास्ट क्वार्टर में नहीं दिखा पाई है, उसके चलते कुछ पास्ट में कुछ चीजें थी, वेदांता की डीलिस्टिंग भी थी और करंट पैंडेमिक चीजें भी चल रही थी तो फैक्ट्रीज भी बंद थी काफी सारी, और पूरा मतलब एक वर्ल्ड ही बंद पड़ा हुआ था, उसके चलते बिजनेस नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ पे इनके जो एक्सपेंसेस थे, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, वो रेगुलरली जो है वो चलते रहते थे, और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट हो पाया इनके नेट जो डिविडेंड, नेट इनकम जो आता है उसके लिए। तो सब्सिडरी जैसे मैंने कहा कि वेदांता लिमिटेड की है, और ये जो हिंदुस्तान जिंक है ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की जिंक मैन्युफैक्चरर कंपनी, जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है, और उसका रेवेन्यू लगभग 22,500 करोड़ का है। बहुत ही बड़ी अमाउंट, बहुत ही बड़ी कंपनी, और जैसे इन्होंने 21.5 रुपए का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, कंपनी का शेयर प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा और वो बढ़ा भी, जैसे हम लोगों ने कल एक्सपेक्ट भी किया था वो बढ़ा भी। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा दोस्तों, इसकी जो पैरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड, उसको फायदा ये होगा कि उनको मिलेंगे लगभग 5,840 करोड़ सिर्फ डिविडेंड से। आप सोचिएगा, बहुत बड़ी होल्डिंग है यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की हिंदुस्तान जिंक में। ये हुआ करती थी एक पीएसयू कंपनी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो अपने शेयर्स ऑफलोड किए और वेदांता आगे बढ़कर के वेदांता ने इसमें जो है शेयर होल्डिंग बाय की। बिलियनियर जो है वो अनिल अग्रवाल, उनकी वेदांता है और उनके लगभग मेरे ख्याल से अगर गिने तो 2,74,31,54,310 शेयर्स है वेदांता में, जो कि निकल के आ रही है लगभग 65% की होल्डिंग, और इसकी वजह से इनको जो मिल रहा है वो है 5,800 करोड़ का डिविडेंड। बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये गिरा, जैसे मैंने पहले कहा था वो निकल के कुछ 1,940 करोड़ का हुआ, लेकिन अगर कंपाउंडिंग करस्पॉन्डिंग क्वार्टर की बात करेंगे तो वो लगभग 2,081 रुपये था। तो ठीक है, कुछ ज्यादा इतना बुरा हाल अभी फिलहाल नहीं है, बेटर है जो मतलब वेदांता से तो काफी ज्यादा बेटर है, वेदांता की हालत फिलहाल थोड़ी खराब है। जैसे मैंने कहा कि वेदांता के लिए भी एक अच्छी न्यूज है कि वेदांता को यहाँ से 5,500 करोड़ मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अकाउंटिंग भी, उसके नंबर्स भी सुधरते हुए दिखाई देंगे, और आने वाले समय में वेदांता भी शायद अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर सके, ये पॉसिबिलिटी है। बट डेफिनेटली वेदांता के नंबर्स जो है वो डेफिनेटली सुधर जाएंगे,
और इसी का इम्पैक्ट हमें आज वेदांता पर भी दिखाई दिया। वेदांता की भी शेयर अच्छे खासे बढ़े हैं आज। मेरे ख्याल से 100 के ऊपर जो है वेदांता अभी बंद हुआ था जब मैंने देखा था। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स को समझते हैं थोड़ा। देखिए लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है, पी बहुत ही सस्ता 15 रुपए का पी है दोस्तों, साथ ही साथ इंडस्ट्री पी भी 13 रुपए का है। और अट्रैक्टिव इसलिए लग रही है दोस्तों क्योंकि 15 का पी है और 15 का ही ईपीएस है, यानी जितना पैसा दे रहे हो उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है, यानी लगभग पैसा डबल होने वाला है। तो इससे ज्यादा अच्छी चीज और बेहतरीन कंपनी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी दोस्तों। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके साथ में, जैसे मैंने नंबर्स की बात की थी तो देखिए Q2 का रिजल्ट है यहाँ पे 5,660 करोड़ का सेल, जो कि कंपनी पिछले 4 क्वार्टर में भी नहीं कर पाई थी। अदर इनकम स्टेबल होते हुए 390 करोड़ की इनकम, लगभग 6,050 करोड़। एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने कहा था पहले ही बहुत ज्यादा 3,360 करोड़ के एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ईबीआईटी 2,690 करोड़, इंटरेस्ट देखोगे तो इन्होंने जो दिया हुआ है वो 68 करोड़ का है, यानी यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट है, क्योंकि आप देखोगे 25, 42, 16, 52 और अभी 68 करोड़, यानी लोन बहुत ही बड़ा है, डेट बहुत ज्यादा है। टैक्स को अवॉइड करके 1,940 करोड़ रुपए का इनका जो है वो नेट प्रॉफिट है। कंसर्न की बात सिर्फ ये 68 करोड़ का जो इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो डेफिनेटली डेट जो है वो बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो 3 महीने में 7.5% का रिटर्न है, वही 6 महीने में 30% का रिटर्न, ये याद रखिएगा 30% का रिटर्न, उसके बारे में भी बात करेंगे। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो फर्स्ट एक ईयर का मतलब 1 साल का आपको लगभग 6% रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल का 7%, और वही अगर 3 साल की बात करेंगे तो 11% का नुकसान आपको झेलना पड़ता था दोस्तों। अब थोड़ा सा नीचे आकर कैश फ्लो की भी बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों के 1,875 करोड़ का कैश कंपनी के पास है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से चल जाएगा इनका बिजनेस। अगर बात करेंगे तो 22% ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय टू 22%, ठीक है। डेटर डेज 8 है, अभी ठीक है, बढ़िया है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले काफी सालों से 12-13, 12-13, 16 तक जाकर के आया था, और पिछले 4 साल 3-3 दिन के डेटर डेज थे, जो अभी 8 हो गए, बट कंपैरिजन में ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर 0.84 सुधर जाएगा, क्योंकि अभी जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे सबके तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हुए चार्ट के बारे में। चार्ट बहुत ही सिंपल है हिंदुस्तान जिंक का समझने के लिए, स्नैपशॉट इसका मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं डाल दूंगा। और अभी तो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में हमें आपको जो है हमारा लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यूज अपडेट्स, चार्ट एनालिसिस, काफी सारी चीजें आपको मिल सके। अब बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। पहले ब्लू लाइन देखिएगा जो ट्रेंड की लाइन कही जाती है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूव बना हुआ है। आप देखोगे कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होता है जब दोनों लाइंस एक साथ आ जाती है, हायर लोस बनाते हुए शेयर नीचे जा रहा था, अगर ये शेयर यहाँ से नीचे चला जाता तो शायद हमें और फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे मिला है दोस्तों ब्रेकआउट। और ये ऑरेंज लाइन है, ये ऐसे चार्ट पे ब्रेकआउट लाइन कही जाती है। इस लाइन के ऊपर जब शेयर स्टेबल होता है, यानी मेरे ख्याल से परसों शेयर स्टेबल हुआ था, तो यहाँ पे बनती है बाइंग अपॉर्चुनिटी, और आप देखते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। आज के बात करेंगे तो आज तो डिविडेंड की वजह से शेयर बढ़ा हुआ है, बट नॉर्मली ये आपको बेहतरीन रिटर्न इसके बाद दे देता है। अब यहां से शुरू करेंगे तो ये शेयर जा सकता है लगभग अपने हाई की अगर बात करेंगे इनके तो 250 की आसपास ये शेयर हमें जाता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने टॉप रेसिस्टेंस के पास है। इसको ब्रेक करने के बाद 250 कंफर्म आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। आज का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा तगड़ा, लगभग 8 मिलियन का वॉल्यूम आप देख सकते हो, पिछले सारे वॉल्यूम 1 से 1.5 मिलियन के आसपास या उससे भी कम, लेकिन आज का वॉल्यूम 7 से लेकर के माफ कीजिएगा 8.10 मिलियन का,
बहुत ही बढ़िया। इसके रेंज में सिर्फ एक ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 9 मिलियन है, उसके बाद यही है 8 मिलियन का। एमएससीडी भी हमें यहाँ पे बता रहा है कि भाई अभी टाइम है बाय करने का, क्योंकि लाइन एमएससीडी की जो है वो ग्रोथ दिखा रही है बढ़िया वॉल्यूम के साथ। साथ ही साथ प्राइस अगर आप देखोगे बहुत ही स्ट्रांग मूव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस लगभग 40 रुपए से बढ़कर के 60-62 रुपए हो गई है। यहाँ पे 62 रुपए की प्राइस, बहुत ही बढ़िया मूव दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी अपॉर्चुनिटी है, ना छोड़िएगा। अब बात करते हैं इसके बाद अगर कोई मेरा पुराना इन्वेस्टर है तो वो चिपक के बैठ जाए, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, देखिए अभी आपका टाइम है नहीं। जो मेरे भाई लोग रेवेन्यू, माफ कीजिएगा, डिविडेंड के लिए बाय करना चाहते हैं वो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। और जो डिविडेंड वाले हैं वो हिंदुस्तान जिंक को एवरी डिप पर एक्यूमुलेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका भी टाइम आएगा, आपको भी शायद फ्यूचर में अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।